बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी। व्यूअर्स आप कैसे हैं? इस उम्मीद के साथ किचन में आए हैं कि आप ठीक होंगे, हर वाफियत होगी। और सम टाइम ऐसे होता है कि हमारे पास खाने के लिए रात को सालन नहीं बचता और हम कहते हैं क्या करें क्या करें। इसी क्या करने को मैं लेके आई हूँ, झटपट से एक रेसिपी बना रही हूँ जिसको बोलते हैं कि अफगानी आमलेट, जिसके लिए आप देख रहे हैं थोड़ा सा सैलड मैंने काटा है, गाजर है, थोड़ा चुकंदर है, बंद गोभी है, प्याज है, हरी मिर्च है और टमाटर है, थोड़े से एक अदद आलू है बड़े वाला, पांच मेरे पास अंडे हैं। दूसरी साइड पे एक मैंने प्याज बड़े वाला चॉप करके, थोड़ा सा ऑयल डिज़ायरेबल जितने आपकी ख्वाहिश है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऑयल पसंद करते हैं और मैं डाल रही हूँ कम कम ऑयल, तो उस इसको करूँगी थोड़ा सा लाइट ब्राउन। गुड हो गया। प्याज हमारा लाइट ब्राउन होता है तो फिर इसके अंदर मैं सैलड डालती हूँ। ये बड़ा मज़े का आमलेट है। मैं अक्सर जब खाने के लिए कुछ नहीं होता या सम टाइम दोपहर का साधन कम हो जाता है या फिर नहीं बनता शाम को दोबारा, तो ये रेसिपी जो है ना मैं ट्राई करती हूँ, अक्सर करती हूँ, बड़े मज़े की बनती है, तो मैंने कहा चलें आपके साथ भी शेयर की जाए। प्याज हमारा हो गया लाइट लाइट सा नरम। अब इसके अंदर मैंने जो सलाद काटा हुआ ना, सलाद के अंदर जो मैंने प्याज काटे हैं ये देखे बड़े वाले हैं, लंबे वाले, ठीक हो गया। दूसरे मैंने जो किए ना वो चॉप थे, और इसके अंदर थोड़ा सा चुकंदर भी डाला है, माइनस ही एक स्लाइस थी, रेडिश वाला जो चुकंदर होता है जिसे रूट बीट बोलते हैं, कैबेज थी और कैरेट है, कहीं कहीं आपको नज़र आ रही है ये, कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी डाली है, ठीक हो गया। अब हम इसके अंदर डाल देंगे हरी मिर्च और टमाटर, दो मैंने टमाटर कैचप के साचे भी लिए हुए हैं। आपके घर अक्सर कोई बर्गर आता होगा, कोई पिज़्ज़ा आता है, अक्सर बच जाते हैं, या फिर आप डायरेक्ट कैचप पैकेट वाला भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरे पास ये दो अदद जो है ना टमाटो कैचप हैं। इस सारे को मैं कर लूँगी हल्का हल्का सा भून लूँगी। बड़ी इजी रेसिपी है, फटाफट तैयार हो जाती है, कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है। ये थोड़े से नरम होते हैं तो फिर हम इसमें आलू शामिल करते हैं। आलू मैंने बड़े फाइन से काटे हुए हैं, बारीक से, फटाफट गलने वाले, ये इशू नहीं बनेगा कि आलू नहीं गल रहे। अब इसमें डालते हैं हम अपने चाप वाले आलू छोटे छोटे, ठीक हो गया। इनको थोड़ा सा लेते हैं भूनने।
अब हम इसमें डालते हैं मसाला जात, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर डालते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, थोड़ा सा हला लेते हैं ये ना हो नीचे से लग सक जाए। और अब हम डालते हैं नमक, ये हमने नमक डाल दिया, नमक हम चेक कर लेंगे कम हुआ तो वो डाल लेंगे। अब हम डालते हैं गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला मेरे पास। अब डालते हैं सूखा धनिया, वो भी क्रश हुआ हुआ है। थोड़ा सा जीरा डालते हैं, अब इसके अंदर जाएगा जीरा, गुड हो गया, जीरे का भी फंक्शन हुआ ख़त्म। अब सारे हम डिब्बियाँ वगैरह कर लेंगे साइड पे। आलू को देखते हैं कि आलू की क्या कंडीशन है, देखेंगे आलू हमारा गल सड़ गया हुआ है, ये देखें दो पीस हो रहे हैं। ये देखें हमारी जो आलू की सब्ज़ी है ना वो रेडी हो चुकी है, आलू बिल्कुल गल गए हैं। अब हम नेक्स्ट प्रोसीजर शुरू करते हैं, इसके अंदर दो पैकेट जो है ना छोटे वाले वो हम केचप के शामिल करते हैं। नमक हम चेक कर लेंगे, मिर्च हमने बिल्कुल मुनासिब सी डाली है, ये सारे मिक्सचर को हम कर लेंगे एक दफ़ा मिक्स। अब हम फ्लेम करेंगे स्लो और नेक्स्ट प्रोसीजर करते हैं स्टार्ट। आंच को कर दे बिल्कुल लो पे, जैसे कि हम दम पे चावल रखते हैं। अब हम इसमें करेंगे ऐड अंडे, एक अंडा हम और शामिल करते हैं दरमियान में। अंडे हमारे हो गए हैं मुकम्मल, एक अंडा रह गया वो मैं मिक्स कर रही हूँ। अब नेक्स्ट प्रोसीजर हम शुरू करते हैं, इन अंडों को थोड़ा थोड़ा सा हम फैला लेते हैं कि जो हम जर्दियाँ हैं ना वो थोड़ी थोड़ी सी फीस जाएं। अब हम इसके ऊपर काली मिर्च स्प्रिंकल करेंगे और थोड़ा सा धनिया। अब हम इसके ऊपर करेंगे काली मिर्च स्प्रिंकल, गुड हो गया। आप काली मिर्च जितनी चाहे स्प्रिंकल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, कोई पाबंदी नहीं है कि मैंने इतनी डाली है आपने भी इतनी डालनी है। अब हम हरा धनिया इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, गुड हो गया। अब हम इसको फ्लेम जो है ना इसकी बिल्कुल मीडियम दम वाली फ्लेम रख के तो इसको पकाएंगे, ऊपर से कवर बिल्कुल भी नहीं करना क्योंकि अंडा जो होता है ना वो स्मेल छोड़ जाता है।
जिसे पंजाबी कहने शान छड़ जाता है। हाँ, असी शान नहीं छड़ानी, तो इस वास्ते इनू बिल्कुल तो कवर नहीं करना, ऐसे ही हमने पकाना है। फ्लेम बिल्कुल स्लो कर लेनी है, 10 मिनट देख लें आप, तो 10 मिनट के बाद बिल्कुल रेडी होगा। 5 मिनट के बाद नीचे से चेक कर लें जल तो नहीं रहा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, नीचे कोई और पैन रख के ऊपर ये पैन भी रखा जा सकता है, लेकिन मैंने मीडियम बिल्कुल जो फ्लेम है ना स्लो कर लिया है। फिर आपको पकता है तो मैं फिर आपको दिखाती हूँ। देखें जी, हमारा अफगानी आमलेट बिल्कुल रेडी है। मैंने नीचे एक और पैन रख लिया था क्योंकि नीचे से जले नहीं। अब मैं इसको उतार रही हूँ और आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ। ये देखें, ये देखेंगे देखिए जी, अफगानी आमलेट हमारा बन के रेडी है। आप टेस्ट करें, देखें कितना सॉफ्ट है। ये देखें, इसको रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, वैसे खा लें, आपकी अपनी मर्जी है। बाकी देखें, ये भी किसका भी बड़ा अच्छा सा कलर आया है, और ये आपको मैंने कट करके दिखाया है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो काइंडली मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन के बटन को कर लीजिए प्रेस, ताकि आपको आने वाली मेरी हर न्यू वीडियो मिलती रहे। इस अफगानी आमलेट को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहें और खुश रहने दें। फ़ी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।